हेलो फ्रेंड्स, अगर आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं और आपका सिस्टम ज़्यादा डाटा कंज्यूम कर रहा है, तो दोस्तों इसका सोल्यूशन जानने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज का ये वीडियो आपके लिए हो सकता है यादगार। तो सबसे पहले हम अपने सिस्टम में इंटरनेट कनेक्ट कर देते हैं। हमने डाटा इंटरनेट कनेक्ट कर दिया है। आपको सबसे पहले करना क्या है, नोटिफिकेशन एरिया में आपको जहाँ पे नेटवर्क का ऑप्शन शो हो रहा है, जैसे कनेक्ट हो जाएगा आपका हॉटस्पॉट, कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे शो करेगा प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे। प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करते ही यहाँ पे शो करेगा मीटर्ड कनेक्शन। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन शो हो रहा है सेट एज मीटर्ड कनेक्शन, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ रहता है, इसको हम ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद आपका डाटा कंज्यूमिंग रेट कम हो जाएगा। यहाँ पे शो हो रहा है इफ़ यू हैव ए लिमिटेड डाटा प्लान एंड वांट टू मोर कंट्रोल ओवर डाटा यूजेस। दोस्तों सेम ऑप्शन आप यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं। इसके बाद हम सेटिंग पे जाएंगे। सेटिंग पे जाने के बाद नेटवर्क एंड इंटरनेट पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे शो हो रहा है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करने के बाद सेम इंटरफेस शो होगा जैसे कि हम पहले शो कराए थे यहाँ से। तो इस प्रकार से आप मीटर्ड कनेक्शन लगा के आप अपने डाटा को बचा सकते हैं। यदि आपका सिस्टम स्लो चल रहा है, होता क्या है दोस्तों, मीटर कनेक्शन अगर नहीं लगा हुआ है तो आपका बैकग्राउंड डाटा अधिक से अधिक यूज़ होगा। जब डाटा अधिक से अधिक यूज़ होगा तो आपका सिस्टम स्लो चलेगा। सिस्टम स्लो चलेगा तो सिस्टम हैंग भी करेगा। तो इसलिए आप हमेशा मीटर कनेक्शन लगा के अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को ज़्यादा डाटा कंज्यूमिंग से बचा सकते हैं। तो दोस्तों आप इस प्रकार से अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के स्पीड को बूस्ट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बराबर मिल सके।